ये इन्होंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जोक मारा था, वो जोक मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं डोमिनोज स्टाइल बर्गर पिज़्ज़ा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि असली भी फूडी, दिल्ली फूडी, दिल्ली फूडी। सो वेलकम टू RS1313 फूडी। हमारा टाइटल सुन के मुंह में पानी आ रहा है ना। डोमिनोज पे यार पिज्जा तो सबने खाया है, हम सबने पिज्जा खाया है और यम्मी पिज्जा खाया है, लेकिन डोमिनोज बर्गर नहीं बनाता, तो हमने सोचा यार मतलब क्यों ना बर्गर को भी पिज्जा के स्टाइल में खाया जाए। यस, बर्गर पिज्जा बनाए नया डिफरेंट, और उन सारी इंग्रेडिएंट्स के जो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होंगी, आएगा डबल मजा, क्योंकि कुछ खरीदना भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, फटाफट बन भी जाएगा और यम्मी तो होता ही है। यम्मी होएगा। आपने टेस्ट करके बताना है, घर में बना के बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, आप घर में बना पाए या नहीं बना पाए। तो गाइस आप लोग जरूर ट्राई करना, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। गाइस सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग बनाना चाहेंगे, और उसके लिए हमारे को कुछ यम्मी यम्मी वेजीज भी चाहिए, क्योंकि बच्चों वाले घर के अंदर वेजीज खानी बहुत जरूरी होती है। वेजीज हमारे पास है सम कैरेट्स, पनीर, कॉर्न, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, टमेटोज, अनियंस एंड सम चीज एंड सम गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, अब ये स्टफिंग बनेगी हमारी किचन के अंदर, क्योंकि अब हमारा गैस का काम आ गया है। चलिए ओके गाइस, एक थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। ऑयल के बाद जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, इसकी जगह आप बारीक जिंजर भी ले सकते हैं। ये वो थोड़ा सा ही डालने सॉटी करो, सॉटी करो बेटा जी, सॉटी करो। वेरी गुड, ऑयल के साथ सॉटी करेंगे। अब जाएंगे इसके अंदर थोड़े से अनियन, चॉप्ड अनियन। हम इन वेजीज को थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची रखेंगे। इसमें डाल लेते हैं थोड़े से हाँ येलो बेल पेपर, हियर गोज ग्रीन बेल पेपर, हियर गोज सम कैरेट, यमी हेल्दी कैरेट, हियर गोज सम यमी यमी कॉर्न, यमी यमी, हियर गोज सम टोमेटो। कितना सुंदर लग रहा है गाइस, ये लुक एट द फील ऑफ इट, रेनबो कलर, रेनबो कलर लग रहा है। और बच्चों को कुछ यमी यमी के साथ अगर दिखने में भी अच्छा मिल जाए तो द ट्रीट है। हां हेल्दी भी है गाइस, ये हेल्दी है, ऑल वेजीज। गाइस मैंने बच्चों को हां काम पे लगा दिया है, अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी सॉसेस तैयार करना। अगर तो आपके पास पास्ता एंड पिज्जा सॉस है, ये रेडी सॉस होती है, इसके अंदर सारी सीजनिंग मिक्स होती है। अगर 1% आपके पास नहीं है या खत्म है तो आप बहुत आसानी से घर पे बना भी सकते हैं। टोमेटो केचप तो आपके पास होगी ही, उसके अंदर आप डालिए थोड़ा सा ओरिगैनो, उसके अंदर हर्ब मिक्स हर्ब सीजनिंग आती है, पैक आता है थोड़ा सा एक चम्मच वो, और उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स स्वाद अनुसार ओरिगैनो एंड गिव अ नाइस स्टर टू इट एंड यू आर डन। आपकी सॉस तैयार, हमने यहां से रेडीमेड मंगा रखी है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमने जो पनीर के पीसेस काट के रखे थे उनको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। आइए इसकी मैरिनेशन करते हैं। ओके ओके, तो अब मैं बताऊंगी क्या करना है। पहले वी हैव सम चिली फ्लेक्स, तो पहले हम वो डालेंगे। डालो डालो फटाफट डालो। भाई साहब ऐसे धक्का मारते 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 ऐसे पहुंच जाता है कि सारी कुकिंग किसी ने करनी है, ये अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ धक्का मार रहा है, यहाँ धक्का मार रहा है, ये यहाँ बस एक काली मिर्च, तो काली मिर्च भी डालते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी पिंच टर्मरिक डालेंगे। हाँ डालो डालो, कोई चिंता वाली बात नहीं। थोड़े से रंग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। डन, नाउ सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। कैन आई डू? नो, सीधा जवाब नो। डन,
ओके नाइस नाइस, क्योंकि हमने पहले वहाँ पर वेजी को भी डाला है तो ज्यादा नहीं हो जाए, बच्चे को ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर। ओके देन नेक्स्ट मिक्स, वेरी गुड, ये हमारी वेजिटेबल सॉटे हो चुकी है, एक नजर मार लीजिए, हमने इनको बहुत नहीं पकाया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं पहले थोड़ा सा सॉस, जो हमारी पिज्जा पास्ता सॉस रेडी सॉस है। ओके मैं पनीर डाल रही हूँ, सारा डाल देंगे। कितना सुंदर दिख रहा है ये, वाव, बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर गैस बंद कर देंगे। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस जब तक पुनीत वो जो हमने पूरा सोते होते सब कुछ कर, अरे कहना क्या चाहते हो, सोटे डालने, तब तक अनन्या आप इस पे जरा ड्रेसिंग वेसिंग स्टार्ट करो, मेयोनीज की ड्रेसिंग करो। मेयोनीज लगाएंगे हम हल्के हल्के दोनों साइड पे लगाएंगे। अब और लग गई है, आज पता नहीं क्या चल रहा है, ये हिल गई है मैडम हमारी, ये फंबल कर जा रही है, फंबल हो रहा है। चलो चलो स्टार्ट करो, मेयोनीज लग गई है, अब बॉस हमारे इसके अंदर जो है आराम से स्प्रेड करके डाला दिया। ओके चीज सेट हो गया है, और अरे भाई ईंटे सीमेंट थोड़ी लगाना है यार, ये सीमेंट की तरह चीज घर बना रहे, इतना चीज ठोक दे दिए। चलो बस करो, अब क्या रह गया, इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो डालो, अरे ओए भाई सारा गिरा दे, थोड़ा सा इसके ऊपर ओरिगैनो, हां जी डाल, थैंक यू। देन द फाइनल टॉपिंग द ऊपर वाली ब्रेड, ये भी कुछ लेके आ गया, इसको भी डाल दे दो, मैं करूंगी ना बेटा, आप रखो, अच्छा ऊपर लगाओगे, रखो रखो रखो, ऐसे थोड़ी ना आसानी से छोड़ देंगे, जब तक टेस्टी नहीं बनेगा तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब इसके ऊपर ये तो पिज़्ज़ा वाली जो आ गई, जब बोल दिया तो बोल दिया पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा बेस हो गया, ये पिज़्ज़ा बेस अनाने, ये स्टाइल है बेटा, यही तो हमारा हटके बर्गर है, हटके। वन सेकंड इसके ऊपर चीज डाल, ये तो अब इसके बाद अब क्या एनी प्रोसेस लेफ्ट, क्या हम कुछ खा सकते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, इसको थोड़ा सा पका तो ले, मेल्ट तो कर ले, लेकर आओ अंदर, करो यार जो करना है, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, मैं कब से देख रहा हूँ ये बन ही नहीं रहा है यार, रुको जरा सबर करो। वही वाले पैन को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है, इसको मैंने धोया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ग्रीस्ड है, तो ज्यादा बटर ऑयल ना यूज करते हुए लेट्स पुट इट बैक इन इट, डन, और इसको हल्का सा पका लेते हैं कवर करके, हमारा कवर, ओ यस कवर जी, आजो जी, डन, और अभी ये हीट से मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी। गाइस ये देखो कमाल, कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है ये चीज ऊपर, अब हम इसको ज्यादा पंगे ना लेते हुए आराम से निकाल लेते हैं। हेलो बेटा, बड़ा जो बेटा, थैंक यू बेटा। Guys, have a look at this. चीज को देखो यार। Guys, ये चीज के अंदर चीज है, हमने अंदर भी चीज डाला है, बाहर भी चीज डाला है, तो चीज चीज का बेटा पता नहीं क्या, वो बेटा पता नहीं कोई कहावत है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भूख लगी, जल्दी काटो इसको, जिसको ये कहावत पता है ना जरा कमेंट करके बताओ। पर मोर ऑप्शन है, इसके अंदर ग्रिल्ड चीज की जगह चीज स्लाइस भी डाल सकते, यस इट्स अ गुड ऑप्शन, अगर आपके पास मोजरेला चीज नहीं है तो नॉट टू वरी, चीज स्लाइस है वो डाल देना। यम्मी सियान, हैप्पी बर्थडे, मैं खिला रहा हूँ आपको, मैं खिला रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे, ओह माय गॉड, नीचे से फील दिखाओ, क्रिस्पी वाइट, क्रिस्पी गाइस, जबरदस्त मजा आ गया, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस आप खाते रहो ये लो, तो गाइस थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हिट लाइक कर दो, और हमें और रेसिपीज बताओ यार, हम बहुत सारी रेसिपीज बनाना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता पिता की इज्जत करना, बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, चोट लग गई और कमरे में लॉक हो गया,
वीडियो हो चुका है लाइक हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस आपने पता नहीं करना चोट क्यों लगी, किसको लगी। गाइस मेरे को चोट लग गई थी।